इसमें ये होता है कि नॉर्मल बेबी की पोजीशन क्या होती है, पीछे में है। What is the normal position? Cephalic is the normal position. एक जो 80% ये होता है, 80-90% I guess, कि इसमें cephalic baby होता है। The second presentation is breech. अब breech के पहले तीन types होती हैं, ठीक है। ये कौन सी breech की type है? Extended breech. ये normal position है फिलहाल, ये पहले बता देती है। ये कौन सी position है? Extended breech, ठीक है। ये कौन सी है? ऐसे भी पड़ा हुआ है, फुटलिंग नहीं। चलो ये फुटलिंग हो गई, ठीक है। इसमें फुटलिंग होता है, और ये वाली होती है ये फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड कि बेबी ऐसे हो के ना ऐसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये फ्लेक्स्ड है। अब कौन कौन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? एक्सटेंडेड में भी नॉर्मल डिलीवर हो सकता है और फ्लेक्स में भी नॉर्मल, लेकिन जो फुटलिंग होता है ना ये वाला, इसमें बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है? इसमें हमने सेक्शन, नो सेक्शन, ठीक है। इसमें ये रिस्क होता है कि बेबी के एक लेग इस तरह और एक इस तरह है, तो अब देखो बेबी के पास कितनी स्पेस है, उसमें ये चांसेस होते हैं जो बेबी की कॉर्ड है वो प्रोलैप्स होकर आ जाती है नीचे। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि बेबी इतना गेज हुआ होता है कि कॉर्ड जो होती है नीचे नहीं आती, तो इसलिए कॉर्ड कंप्रेशन का खतरा होता है और ये डिलीवरी नहीं हो सकता ना फुटलिंग नॉर्मल, क्योंकि इसकी ऐसी टांग है, ये जैसे शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता है जो स्टक कर जाता है, तो ये भी स्टक कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पोजिशन होती है ट्रांसवर्स, ऐसे बेबी डिलीवर हो सकता नॉर्मल? ट्रांसफर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन फॉर सी-सेक्शन, ठीक है। अब है दी कैफेलिक, ये नॉर्मल इसकी प्रेजेंटेशन है कैफेलिक। अब इसमें आगे फर्दर होती है पोजीशंस, मेल पोजीशन जो हम पढ़ते हैं कि उसमें बेबी की प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो सकती है। पोजीशन क्या होता है कि नॉर्मल बेबी की जो पोजीशन होती है ना प्रेजेंटेशन की, वो क्या होती है कैफेलिक, कैफेलिक के साथ ऑक्सीपिटल इंटीरियर, ये नॉर्मल हो सकती है, ये भी डिलीवर हो सकते हैं। फेस टू प्यूबिस, ये वाली भी डिलीवर हो सकती है। ट्रांसवर्स भी हो सकती है, ऐसे हेड पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़े लॉन्ग रोटेशन लेने के टाइम के बाद लॉन्ग प्रोलॉन्ग लेवल का। कुछ ऐसी होती हैं मेंटो इंटीरियर, मेंटो पोस्टीरियर, इस तरह की जो होती है ना वो डिलीवर नहीं हो सकती, आप बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है। अच्छा, अब इसका एक निमोनिक है मैगजीन का फ्लेवर का, क्या है बच्चों? एडफायरल, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक औरत 9 months बेबी को लेके, हर वक्त लेबर में नहीं होती ना, जब लेबर स्टार्ट होगी तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके आगे से ये स्टेप्स हैं। बेबी नॉर्मली क्या होता है, ये है पेल्विस, ये होता है फॉल्स पेल्विस जिसमें एला ऑफ सेक्रम, और ये होते हैं, देख पता है ना, है ना, ये फॉल्स पेल्विस है। उसके बाद जो नीचे इससे होता है ना वो ट्रू पेल्विस में जाता है, हाँ, पेल्विक बीम से नीचे। अब बेबी जो होता है ना पहले, वो फॉल्स पेल्विस में भी नहीं होता, वो ऊपर एब्डोमेन में होता है कहीं। जब लेबर स्टार्ट इनिशिएट होती है तो पहले फॉल्स पेल्विस में जाता है, उसके बाद फिर ट्रू पेल्विस में, और फिर फर्दर चीज़ें हो जाती हैं। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं? एंगेजमेंट। जो पहला वो एंगेज होता है, ठीक है, एंगेज हुआ है। अब बेबी इस फॉर्म में भी एंगेज हो सकता है, इस फॉर्म में भी एंगेज होता है, ज़्यादातर किस फॉर्म में होता है? ट्रांसवर्स फॉर्म में, ठीक है, वो ऐसे एंगेज हो गया। अब मुझे बताएं जो होता है इनलेट, उसको कौन सा डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर। तो जब बेबी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसका ट्रांसवर्स ज़्यादा है डायमीटर, तो वो किस पोजीशन में आएगा? ट्रांसवर्स। तो यहाँ से याद रखना, बेबी ने ऐसे ट्रांसवर्स, ये है एंगेजमेंट फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कौन सा है? डिसेंट। अब बेबी फर्दर जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आती हैं तो वो नीचे डिसेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्लेक्शन। बेबी की इस टाइम हम कहते हैं क्राउनिंग हो रही है, नहीं क्राउनिंग कहते हैं वो मैं बताती हूँ, अभी क्राउनिंग स्टेप नहीं है, ठीक है। अभी ये समझे कि कहीं भी हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। मैं ये लगा देती हूँ, ये आगे बेबी सबसे पहले डिसेंट, ठीक है, उसके बाद सॉरी एंगेजमेंट, डिसेंट, और अब फ्लेक्शन। अब बेबी नॉर्मल हमारी क्या पोजीशन है? ये नॉन न्यूट्रल पोजीशन है, बेबी की भी ऐसे होती है। बेबी क्या करता है, क्योंकि कैविटी जो हमारी पेल्विक कैविटी है, आपने इंट्रॉप प्रोसीजर्स में भी देखा होगा, वो कितनी ऐसे छोटी सी स्पेशियस है ही नहीं, तो बेबी बेचारा क्या करे, उसने कुछ ऐसे मोल्ड करनी है अपनी बॉडी को कि वो नॉर्मल डिलीवर हो सके, तो वो क्या करता है, वो फ्लेक्शन करता है, ऐसे ऐसे फ्लेक्स किया, ठीक है। हाँ, लेट हैं आप, फ्लेक्शन फ्लेक्शन, ठीक है, ऐसे फिर बेबी का हेड फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब क्या है? इंटरनल बेबी वॉज एंटर्ड इन विच पोजिशन? ट्रांसवर्स। तो बेबी वुड कम इन
जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन होगी, फिर क्या है इंटरनल रोटेशन के पास एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है यस, फिर रेस्टिट्यूशन, फिर एक्सटर्नल। अच्छा ये ऑक्सीपिटल, अब जब बेबी आया ना इधर ये वाला, आप इसमें बेबी जो है ना अब नीचे इसी पोजीशन में डिसेंड करता रहेगा, करता रहेगा फ्लैक्स नेक के साथ ऐसे ही, ठीक है, करता रहेगा। और जब बेबी पहुंचेगा यहाँ इंट्रोइटस तक, क्राउनिंग कहते हैं कि जब ईच विद एवरी यूट्राइन कंट्रैक्शन बेबी इज अनेबल टू रिसीड बैक, कि पेन चाहे आ रही है, नॉर्मल तो ये होता है पेन आती है, थोड़ा सा हेड विजिबल होता है फिर पीछे चलो, हेड विजिबल होता है फिर पीछे। क्राउनिंग में बेबी का हेड इतना नीचे आ चुका होता है कि वो फिर पीछे नहीं जाता, वो चाहे पेन हो ना हो ऐसे, तो इट इज द टाइम टू डिलीवर द बेबी। अब ये ऐसे आ गया, अब क्या होगा इसके बाद एक्सटेंशन। अब जब बेबी ने डिलीवर होना है तो वो कैसे डिलीवर होता है, एक्सटेंड करके, ठीक है। अब ये बेबी आया, ये प्यूबिस से नीचे आया, अब देखो अगर बेबी एक्सटेंड नहीं होगा तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो बेबी अपने ये नेप ऑफ द नेक से ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है। और उसके बाद रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे बेबी ने थोड़ी एफर्ट किया तो बेबी अपने सर को रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन है। और थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटर्नल रोटेट होगा अब ये ऐसे, अब ये हुआ, ये क्यों रोटेट हुआ, क्योंकि अगर नॉर्मली, हाँ वेरी गुड, अब शोल्डर अगर ऐसे हो ये तो स्टक हो जाएंगे शोल्डर, तो वो ऐसे हल्का सा रोटेट होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ये हुआ ताकि नॉर्मल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, बेबी का हेड डिलीवर हो गया, अब इसके हैंड्स को डिलीवर कराएंगे, ठीक है। ये होता है कि इतना कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है कि आराम से हर खुद ही हो जाए। और फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड द बॉडी, और उसके बाद हमने मामा के पेट पे रख देना, ठीक है। और उसके बाद हम लाइकल कॉर्ड को, तीन स्टेप्स होते हैं एक्टिव मैनेजमेंट के, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जब तक पल्स आ रही है हमने फील करना है, जब तक आ रही है तब तक हमने, हाँ तो ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड टू 1 मिनट तक होता है, हमने तब तक क्या करना है, क्लैंप नहीं करना। उसमें क्या फ़ायदा है कि जो मेटरनल सर्कुलेशन होती है बेबी तक जाती रहती है, हाँ, तो और एक्स्ट्रा ब्लड जाता है जिसकी वजह से बेबी में न्यू बॉर्न एनीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर बेबी की एसेंशियल न्यू बॉर्न केयर होती है, उसका हेड जो होता है वो साफ करते हैं, क्योंकि सबसे सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है बेबी के हेड का, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस, साफ करके और फिर उसको मदर के एब्डोमेन पे लिटा देते हैं ताकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, बेबी का एक तो थर्मो रेगुलेशन अच्छी हो जाए और फिर बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है। और उसी वक्त आप इनिशिएशन स्टार्ट करा देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, ये आइडियली रिकमेंडेड है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं डिलीवर करा के आप ले जाती हैं, बॉन्डिंग नहीं डिवेलप हो जाती, ठीक है। मुझे लगता है मुझे करूँगा तो नहीं हो गया, हाँ वो प्लेसेंटा तो मैंने डिलीवर ही नहीं कराया, अच्छा डिलीवर करा दिया, उसके बाद अब रह जाएगा प्लेसेंटा, ये तो फिर नॉर्मल पूरी, अच्छा प्लेसेंटा को फिर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, उसमें आपने ये प्लेसेंटा दीजिएगा प्लीज, अच्छा ठीक है। अब ये है हमने यहाँ पे रखा, अब कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि नॉर्मली ये यूट्रस, ये है एब्डोमेन, तो हमने एक हाथ को ऐसे पुल करके रखना है, वो क्यों करते हैं कि नॉर्मल यूट्रस पोजीशन होती है एंटीवर्टेड ऐसे, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि लोग एंथुसियास्टिक हो ना हो यूट्रस नॉर्मली क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है फ़ौरन ही, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हम सिम्टो ना दें तो रिलैक्स ही रहती है, तो उसमें चांसेस ये होती हैं कि यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी, कि जैसे हम प्लेसेंटा पुल कर रहे हैं तो यूट्रस भी साथ पुल होता आएगा, दैट इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मेटरनल, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज के भी, और शॉक हो जाएगा माँ बिचारी डेथ, समटाइम्स स्ट्रेक्टमीज भी करनी पड़ती है अगर रिवर्स ना, तो इसलिए भी हमने क्या करना होता है, एक हाथ ऐसे फंडस होता है यूट्रस में रखना है और दूसरे में कॉर्ड, अब उसमें दो हाथों के दरमियान हमने यहाँ पे फोर्सेप्स वो लगाया होता है स्पंज ओली फोर्सेप्स, उसको होल्ड करके और आराम से एक हाथ मैंने एब्डोमेन पे रखा हुआ है और इसको एक हाथ से पुल करते, उसके बाद फिर हमने जब पूरा मेम्ब्रेन्स के साथ आ जाएगा फिर हमने चेक करना है कि इसकी मेम्ब्रेन्स पूरी है कि नहीं, प्लेसेंटा तो रह तो नहीं गया, जब डिलीवर होते हैं तो बहुत खूबसूरत प्लेसेंटा डिलीवर होता है, जब ऐसे मेम्ब्रेन्स में रैप हुआ हुआ कॉटिलेडंस नज़र आते हैं ऐसे जैसे ये बने हुए, तो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, हम अंदर से भी चेक कर लेंगे, हाँ देखो यार इसको सारी ने दिया। उसके बाद हमने ये डिलीवर करा रहे हैं, हमने पहले की एग्जामिनेशन करने हैं और साथ ही ट्राइन मसाज अगर यूट्रस रिलैक्स है तो, और फिर पेल्विक कैविटी से वजाइना को और बस यूट्रस से सारे क्लॉट्स रिमूव करने हैं,
एंड पे माइट भी ब्लीडिंग होगी, अच्छी तरह स्पंज करके साफ करके और पर रेक्टल मीजो रख देते हैं ताकि यूट्रस जो रिलैक्स ना हो, पीपीएच में आ जाए, इससे ना आपकी डिलीवरी का इख्तिताम हो जाए। एपिजियोटमी को स्टिच करना है, एपिजियोटमी को स्टिच करना है, इसमें हमने दी नहीं।